हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आते ही आते हैं, मान के चल दीजिए या मैं कहूँ तो भैया छप गए आपके क्वेश्चन पेपर में। मैं कन्फर्मली कह रहा हूँ, विकास भाई आपके 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ध्यान भटकाना मत, सिर्फ और सिर्फ यहां पर ध्यान से देखना है। पढ़ूं क्वेश्चन नंबर 8 को? चलो भाई सुनो। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पर। अगर स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। फैमिलियर क्वेश्चन है आप लोगों का, पहले भी आप लोग कर चुके हैं। कह रहा है अगर स्पीड को 5 बढ़ा दो तो भाई सेम जर्नी ट्रैवल करने में इसको कितने घंटे कम लग रहे हैं? एक घंटा कम लग रहा है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 8, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने कहा माय फ्रेंड एक्स किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर, 360 दिया हुआ है हमें, जी यस 360 है। तो टाइम का फॉर्मूला माय फ्रेंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 360 अपॉन एक्स। ओके, यहां तक तो ठीक है। जब स्पीड को बढ़ा दिया गया, व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5। तो माय फ्रेंड टाइम लग रहा है कवर करने में, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर कितना होगा यार, बता दो, अब आप ही बता दो भाई। सर डिस्टेंस है 360, तो स्पीड है x प्लस 5, तो टाइम हो गया 360 अपॉन x प्लस 5। पर इतना करते ही, ये करते ही क्या कहा था कि भाई जो पहले वाला टाइम है उससे एक घंटा कम लग रहा है। ओके, करें भाई चेंज, इसको मैंने उधर शिफ्ट किया और 1 को मैंने इस तरफ शिफ्ट किया, ठीक है। 1 पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। 360 कॉमन, दोनों के दोनों यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान देते चले जाना है ना, दोनों के दोनों क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान देना है। इस 360 को डिवाइड में ले आऊं, इधर मैं ले लेता हूं एलसीएम, तो एक्स प्लस 5 माइनस एक्स 1 अपॉन 360। एक्स से एक्स कटा, 5 रहा, नीचे हो गया हमारा डेनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 अपॉन 360। क्रॉस मल्टीप्लाई माय फ्रेंड्स, तो 36 5 जा 1800, तो ये हो गया 180, वो 1800, ये कर दिया हमने माइनस में। ओके, अब आगे सॉल्व करना है इसको, कौन सा मेथड अप्लाई करें बताइए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन पसंद है, लो यार फैक्टराइजेशन से करता हूं। 1800 के पहले फैक्टर्स करो, 1800 के कितना होगा, 29 जा फिर 450, फिर 3 से होगा बेटा, अगेन 3 से होगा। अब यहां पर इसको भी यार 2 से भी कर सकते थे ना, चलो कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं 2 से कर लेते हैं, और ये हमने 5 से कर लिया। हमें तो देखना है ना, हमें तो बस देखना है कि क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है। 2 जा 4, 4 3 जा 8, 8 3 जा 24, 5 5 जा 25, 2 जा 50, नहीं ये तो बात नहीं बन रही। 5 2 जा 10 और 3, 10 3 जा 30, 5 3 जा 15, 15 2 जा 5, एक मिनट, 5 प्लस 3 8, 8 2 जा आपका 16 और 2 18। कैसे करें भाई, क्या फ्रेंड बनेंगे इसके फैक्टर्स, बताओ भाई बताओ। 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ओके 5 5 जा 25, 25 2 जा 50,
ये बन रहा है 36, नहीं बन रहा है यार ऐसे, तो ये हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है भाई क्या करें। तभी मैं कह रहा हूँ ना, अभी जैसे मुझे एकदम नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में एकदम नहीं आ रहा है कि भाई क्या फैक्टर होंगे, तो जल्दी से मैं कर लूँ किसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यार, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहे हैं अभी फैक्टर, तो माय फ्रेंड ट्राई कर लीजिए अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तभी तो कहते हैं हर मेथड का अपना यूज है। तो मैंने इसको लिया, डी हो गया माय फ्रेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है 5, 1 अपॉन माइनस का 18, तो ये हो गया 25, 18 फोर जा 7200, तो माय फ्रेंड ये हो गया 7225, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपका डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो भाई रूट्स आर रियल, मतलब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, यहां पर नेचर नहीं, हम बस ये बता देते हैं रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो निकाल लीजिए एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। भाई टाइम मुझे लग रहा था, मैंने कहा यार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही, तभी तो मैं आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, टाइम बचाना है यार, क्यों डर लगे रहे। अगर नहीं आ रहा समझ में, दिमाग में एकदम क्लिक नहीं कर पा रहा कि क्या फैक्टर होंगे, तो हम सोचते रहे उसी क्वेश्चन पे बैठे रहे, नहीं, ये गलती आप लोगों को भी नहीं करनी है। ओके, चलिए रखिए वैल्यू, बी यहां पर कितना है 5 प्लस माइनस डी है माई फ्रेंड 7225 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, हटा दूं मैं यहां से इसको, इसको हटा रहा हूं, देखिए अब माइनस का 5 प्लस माइनस इसका माय फ्रेंड रूट होता है 85। कह दो विकास भाई आपको तो याद है, हमें तो याद नहीं है। अरे यार अब स्क्वायर रूट भी निकालना सिखाऊं क्या, लो यार लो जल्दी से देख लो, 7225 8 रेट जा 64, ठीक है, ये देखना होता है कि हमें कितने टाइम में हम इसके पास पहुंच पा रहे हैं, या तो पूरा पूरा हो जाएगा या उसके नियरेस्ट पहुंच जाएंगे। तो 8 रेट जा 64 हो पा रहा था, ये हो गया 12 में से 4 गया 8, 8 रेट जा इन दोनों को प्लस कर रहे हैं भाई, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, अब लास्ट में 5 है, तो यार आपको पता है 5 से ही करना पड़ेगा, तो आ रहा है ना 85 आ रहा है, ठीक है, निकाल के दिखा दिया मैंने आपको। अब एक बार प्लस के साथ ले लो भाई इसको, एक बार मैंने इसको प्लस के साथ ले लिया और एक बार इसको मैंने माइनस के साथ ले लिया, तो भाई ये हो गया 80 अपॉन 2 और ये हो गया माय फ्रेंड माइनस का 90 अपॉन 2, तो ये हो गया 40 और ये हो गया माइनस का 45। स्पीड यार नेगेटिव नहीं होती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लिख दो यहां पर और सिर्फ हमारा आंसर हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन माय फ्रेंड आ गई है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 8, लेंथी था थोड़ा, कैलकुलेशन वाला था, लेकिन आ गया हमारा आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, ये तो और ज्यादा खास है, आपके एग्जाम में मिलने लायक क्वेश्चन है। टू वाटर टैंक्स टूगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 राइट 3 अपॉन 8 आवर्स, 9 सही 3 बटे 8 आवर्स घंटों। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो छोटे वाले से 10 घंटे ले रहा है टैंक को अलग से भरने में, तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, दोनों टैंकों से अलग अलग, वो दोनों टैप से अलग अलग टाइम आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया कि दो टैप हैं, दो नल हैं, एक टैंक को भर रहे हैं, 9 राइट 3 अपॉन 8 को मैं 75 अपॉन 8 कह देता हूं, 8 9 जा 72 प्लस 3 75 अपॉन 8 आवर्स। जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो स्मॉलर से 10 घंटे कम ले रहा है, तो दोनों से अलग अलग टाइम निकालना है। लॉजिक समझना भाई, कैसे कर रहा हूं मैं, लॉजिक समझना। क्वेश्चन नंबर 9, लेट टाइम टेकन बाय लार्जर, वो स्मॉलर ले लें ना, क्योंकि स्मॉलर से रिलेशन है लार्जर का,
लार्जर स्मॉलर डायामीटर टैप, स्मॉलर डायामीटर टैप से माय फ्रेंड मैंने मान लिए एक्स आवर्स। तो इसी तरीके से लार्जर से कितने हो जाएंगे एक्स माइनस टेन आवर्स, कि भाई एक्स घंटे में छोटा वाला टैप भर रहा है टैंक को अकेले और एक्स माइनस टेन घंटे में बड़ा वाला टैप भर रहा है। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैंने कहा पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन वन आवर, एक घंटे में निकाल रहा हूं यार मैं, एक घंटे जिसको मैंने लिख दिया वन अपॉन एक्स। कैसे आया भाई, हम क्या कह रहे हैं एक्स घंटे में एक टैंक भर रहा है तो यार एक घंटे में कितना भरेगा वन अपॉन एक्स टैंक, उस टैंक का एक बटे वन वन अपॉन एक्स हिस्सा, एक बटे एक्स हिस्सा, है ना, यही तो बात होगी भाई। एक्स में एक टैंक भर रहा है तो एक एक घंटे में कितना भरेगा वन अपॉन एक्स। ऐसे ही बड़े वाले से, बड़े वाले से माई फ्रेंड हमने निकाल लिया वन आवर में वन अपॉन एक्स माइनस टेन, तो दोनों कितने हैं दोनों से भाई, दोनों से बोथ टैप फिल टैंक इन वन आवर, प्लस कर लो वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टेन, एलसीएम ले लो। तो ये तो हो गया एक्स माइनस टेन और ये हो गया एक्स, तो ये आ गया 2x माइनस टेन एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। ठीक है, ये तो बात बन गई। ऐसे ही आपको दिया हुआ था यार कुछ, आपको दिया हुआ था बोथ टैप फिल टैंक इन 75 अपॉन 8 आवर्स, कितने टैंक को भर रहे हैं भाई 75 अपॉन 8 आवर में, एक टैंक को, कितने टैंक को भाई एक टैंक को। तो एक घंटे में कितने टैप भरेंगे भाई, एक घंटे में कितना टैप भरेंगे वन अपॉन 75 अपॉन 8, ले जाए ऊपर 8 अपॉन 75। ये तो आप लोगों को आता होगा ना कि भाई ये तो 1 2 का 4 और 4 2 का 1, कि अगर एक घंटे में कोई भर रहा है तो चार घंटे में निकालना है तो मल्टीप्लाई, चार घंटे में कोई कर रहा है काम तो एक घंटे में निकालना है तो डिवाइड, है ना। तो यही तो मैंने किया, 75 अपॉन 8 आवर्स में भर रहा था एक टैंक, तो एक घंटे में कितना भरेगा वन अपॉन, डिवाइड कर दिया जो उल्टा होकर आ गया 8 अपॉन 75। अब ध्यान दो, ये भी एक घंटे का है ये भी एक घंटे का है, तो क्या करें दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो रखो भाई रखो 2x माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8 अपॉन 75 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 150x। पहले इसको कर लेते हैं, इसकी हमें पहले जरूरत है 8x स्क्वायर माइनस का 80x, 150x माइनस का 750। अब एक तरफ करो भाई, एक तरफ करो 80x 150x प्लस का 750, ये हो गया माय फ्रेंड आपका 230। ये अगेन 75 डिवाइड हो जाएगा 8 से, हो जाएगा यार 8 से तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो हम दो से कर लेते हैं, हम किससे कर लें दो से, 2 4 8 और ये हो गया 115 और ये हो गया 375। ठीक है सर, ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन छोटी बन रही है तो बनाओ ना, किसने मना किया हुआ है। अब डिपेंड करता है कौन सा मेथड यहां पे अपनाना है, डिजिट्स बड़ी बड़ी है भाई, अगर आप अप्लाई करेंगे आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालने में समस्या आएगी। किससे कर दूं, बहुत टाइम हो गया भाई, बहुत क्वेश्चंस मैंने कराए अपने पहले के लेक्चर्स में भी, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज नहीं किया, उसे कर रहा हूं मैं इस मेथड में माय फ्रेंड, मैं उसे कर रहा हूं। पहला स्टेप डिवाइड, कर दिया डिवाइड। दूसरा स्टेप राइट साइड कॉन्स्टेंट को शिफ्ट, लीजिए भाई कॉन्स्टेंट को शिफ्ट। तीसरा स्टेप वन अपॉन टू से इस कॉफिशियंट को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 105 अपॉन 8 का स्क्वायर और यहां पर भी हो जाएगा माय फ्रेंड 105 का स्क्वायर और ये हो गया 375 अपॉन 4। विजिबल है नहीं विजिबल है ये, यहां से हटा देता हूं, ठीक है यहां से हटा देता हूं, अगर नहीं विजिबल है यहां लिख देता हूं।
मैंने कहा यहाँ 105 अपॉन 8 और यहाँ भी 105 अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस 375 अपॉन 4। अब तो दिख रहा है, ओके। इसको क्या लिख देंगे, x माइनस 105 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। अब भाई 115 का स्क्वायर कितना आएगा यार, बताओ भाई, मुझे तो याद नहीं है भाई, जल्दी बताओ कितना आएगा। 115 को 115 से जल्दी से गुणा कर लेते हैं बेटा, 115 को 115 से ये हो जाएगा 5 5 25 5 1 5 और 2 7 5 1 5, और ये अगेन 151 और ये अगेन 115, तो 7 5 12 5 5 10 11 1 12 13225 आ रहा है माय फ्रेंड। कितना आ रहा है, 13225, लिख लो भाई। और 8 का स्क्वायर 64, इधर लिखते हैं। अब हर तरफ से भाई, इसमें तो हर मेथड में कैलकुलेशन लंबी आ रही है, 64। पर ये अच्छी बात है ना, मैं आपको अलग अलग मेथड से सॉल्व करा रहा हूं, तो आपको मतलब सारे मेथड्स आपके सामने एक एक करके आ रहे हैं। 64 एलसीएम 64, ये तो बेटा एज इट इज रह गया, और ये आ जाएगा 4 से 64 को डिवाइड करोगे तो 16, 16 से मल्टीप्लाई करो 375 को, तो 16 बन जाए 80, 16 सत 112 और 8 120, 16 तीन 48 और 12 60 बचा बेटा, ये क्या बचा, 60। तो माय फ्रेंड ये आ गया आपका माइनस करके 7225 अपॉन 64। क्या करें, स्क्वायर रूट हटाए, स्क्वायर रूट हटा दो भाई, प्लस माइनस ये हो गया 7225 अपॉन 64। ये आ गया, अभी निकाला था यार 85 आ रहा था और इसका तो 8 होता ही है, एक बार प्लस वाले के साथ आ रहे हैं भाई आंसर आ रहे हैं, और एक बार माइनस वाले के साथ। थोड़ा टाइम लगा भाई इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, मैं कुछ नहीं कर सकता यार, कैलकुलेशन है तो करनी पड़ेगी। 85 अपॉन 8 प्लस 115 अपॉन 8 माइनस का 85 अपॉन 8 प्लस 115 अपॉन 8, तो ये हो गया आपका 200 है ना, 115 और 5 120 और 80 200 बटे 8, और ये हो गया माय फ्रेंड्स 5 में से 5 गया 0 और 11 में से 8 गया कितना बचा 3, 30 बटे 8, ठीक है। अब डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा क्या, 8 दुनी 16 और 4 8 पंजे 40 और ये आ रहा है भाई 13 एक्स, ये हो गया 15 अपॉन 4, ठीक है। ये आपका x की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 15 अपॉन 4, क्या ये पॉसिबल वैल्यू हो पाएगी बताइए भाई, ये पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पाएगी बेटा, ये यहाँ पर अपॉन वाले यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसको ले लेते हैं हम लोग 25 को, हमने किसको ले लिया यहाँ पर 25, तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप ये हो गया 25 आवर्स और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप ये हो गया भाई 25 माइनस 10 15 आवर्स। अब कह रहे होंगे विकास भाई आपने बोल तो दिया नॉट पॉसिबल, यार हु है क्यों नहीं पॉसिबल यार, ये भी तो समझाओ विकास भाई, ऐसे थोड़ी होता है, आधी अधूरी बात से थोड़ी काम चलेगा। लो यार, लो नाराज क्यों होते हो, मान लो मैं इसको 15 अपॉन 4 ले लेता बेटा, आप इसमें करो लार्जर टाइप का टाइम आप लोग निकालते तो बेटा क्या आता, 15 अपॉन 4 से देखो बच्चे क्या आता, 15 अपॉन 4 माइनस 10 तो 4, 14 जब 10, 4 10 जब 40, तो बेटा ये आ रही है आपके माइनस का 25, क्या टाइम नेगेटिव होगा, नहीं होगा बच्चे, नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, 15 अपॉन 4 को यहाँ पे नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू ली 25। कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी नहीं होने देंगे आपके विकास भाई, ओके। तो ये माई फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिया हमने अपने दोनों क्वेश्चन, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच गाइज़।